आगे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देखिए, ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। सर, एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। कल केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसको संविधान हत्या दिवस जो है, अब तमाम अलग अलग नेताओं के बयान इस पे आने लगे हैं। संजय राउत भी कह रहे हैं कि यदि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते तो वो भी इमरजेंसी लागू करते जब ऐसे माहौल। देखिए, उस वक्त के बारे में तो काफी चर्चा कई सालों से, दशकों से हो ही रही है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन संविधान को स्थगित किया गया था, जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म कर दिया गया। सर, जम्मू कश्मीर का आपने क्योंकि जिक्र किया, आज ही एक अनाउंसमेंट आया है कि जो एलजी है उनकी पावर में इजाफा। वही कह रहे हैं, दिल्ली वाला मॉडल आप जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। वो ऐसा एलजी जो अभी संदेह के घेरे में है, विवाद के घेरे में है, नाना प्रकार के आरोप भ्रष्टाचार के उन पर लगे हैं, उनको चलिए उनको छोड़िए, आप कल को कोई और एलजी भी आ जाए, सरकार में जो मुख्यमंत्री है उसको आप पावर्स कम कर रहे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, लगभग तमाम पावर्स आप एलजी को दे रहे हैं। क्यों? हम तो बोल रहे थे पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए जम्मू कश्मीर को, आपने छीना है वो दर्जा। उल्टा आप एलजी को मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या आपको मालूम है आप चुनाव हारने वाले हैं, तो अब आपको कंट्रोल कैसे करना है जम्मू कश्मीर की प्रशासन को और सरकार को, वो तरीका अख्तियार कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि अब आगामी चुनाव है असेंबली, लेकिन उससे पहले जो महाराष्ट्र में देखा गया कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग का, कैसे आप पार्टी के अंदर इसको सॉल्व कर पाएंगे और जो रिजल्ट आए वहां पर उसको कैसे आप लोग? निश्चिंत रहिए, पूरा निगरानी सब पर रखी जा रही है, विश्लेषण भी हो रहा है। और जो अभी एमएलसी चुनाव में देखने को मिला उसका कोई प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथी बुरी हार के लिए तैयार रहे। आगे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देखिए, ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। सर, एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। कल केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसको संविधान हत्या दिवस जो है, अब तमाम अलग अलग नेताओं के बयान इस पे आने लगे हैं। संजय राउत भी कह रहे हैं कि यदि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते तो वो भी इमरजेंसी लागू करते जब ऐसे माहौल। देखिए, उस वक्त के बारे में तो काफी चर्चा कई सालों से, दशकों से हो ही रही है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन संविधान को स्थगित किया गया था, जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म कर दिया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।